बिग बॉस एंड ऑल द टीम देयर। मेरा नाम अनस मलिक है और मैं ओल्ड दिल्ली जामा मस्जिद यानी कि दिल्ली 6 का रहने वाला हूँ। दिल्ली यानी कि इंडिया का कैपिटल और दिल्ली निराली जगह है, निराली जगह मानी जाती है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। यहाँ के लोग भी निराले हैं, बड़े दिल वाले हैं। उन्हीं की नगरी में से मैं भी एक बंदा हूँ, अनस मलिक, जो आपके सामने हूँ इस वक्त। 2015 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन क्लियर किया है मैंने, और थोड़ा बहुत फैमिली बिजनेस भी देख लेता हूँ। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, आउट ऑफ कंट्री जाकर, अपनी कंट्री में रहकर भी, और न्यू फ्रेंड्स बनाना, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छे लोगों के साथ रहकर उनके लिए जान देने के लिए रेडी रहता हूँ हर वक्त। और जो लोग थोड़े टेढ़े चलते हैं उनके साथ टेढ़ा भी हो जाता हूँ कभी कभी। गुस्सा गुस्सा नाक पर रहता है, गुस्से वाला हूँ। रही बात बिग बॉस की, अपने बारे में तो वहाँ पर आकर भी सब कुछ बता देंगे, बट अभी बात है ऑडिशन की बिग बॉस के। तो बिग बॉस बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, बिग बॉस के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू बिग बॉस कि उन्होंने कॉमेडियंस को दोबारा से अपने घर में आने का मौका दिया। मैं भी बिग बॉस के घर में आकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। बिग बॉस सीज़न 4 से बहुत ज़्यादा मैडली फॉलो कर रहा हूँ। सीज़न 8 और सीज़न 10 मेरे फेवरेट सीज़न रहे हैं आज तक के, बिकॉज ऑफ ओनली गौतम गुलाटी एंड मन्नू मनवीर। बिग बॉस का घर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर तरह के अलग अलग कम्युनिटी से लोग आकर मिलते हैं, एक दूसरे से अलग अलग, जो किसी को जानते भी नहीं है, बट वहाँ पर आकर मिलते हैं। फिर वहाँ पर दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट सब कुछ मिलता है वहाँ पर आकर। इंसान को बिग बॉस के घर में ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका पता चलता है। वहाँ से इंसान की ज़िंदगी एक न्यू शुरुआत होती है, उसे अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए एक रास्ता मिलता है। बिग बॉस के घर में रहते हुए इंडिया को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करूँगा। मुझे अपने ऊपर पूरा पूरा कॉन्फिडेंट है, अपने रब पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे हिम्मत देंगे। बट मैं हंसमुख भी हूँ बहुत ज़्यादा, हंसाना भी मुझे अच्छे से आता है, एग्रेसिव भी हूँ, गलत बात पर गुस्सा भी जाता हूँ जल्दी से। और टास्क की रही बात, तो टास्क तो मैं मुझे अच्छे से करने आते हैं सर। टास्क करने की बात ऐसी है कि मैं टास्क करने में माहिर हूँ। कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा ट्रूथ और डेयर खेला करते थे, तो सबसे ज़्यादा डेयर मेरी ही आती थी और मैं खुद जान कर लेता था, बिकॉज मुझे टास्क करना बहुत अच्छा लगता है। तो टास्क में अपना 200% से भी ज़्यादा देने की कोशिश किया करूँगा। बस अब देखना है कि बिग बॉस क्या चाहते हैं, कि मुझ जैसे बंदे को बिग बॉस के घर में देखना चाहते हैं या नहीं। दिल्ली 6 का हूँ, जीत और मेहनत करूँगा, जीत कर आऊँगा इंशाल्लाह बाहर। और जो लोग ये सोचते हैं कि दिल्ली 6 के लोग कुछ नहीं कर सकते, दिल्ली 6 के लोग कहीं आगे नहीं बढ़ सकते, उनको रॉन्ग प्रूफ कर दिखाना है। बिग बॉस और आपकी टीम के हाथ में, क्या आप बिग बॉस के घर में दिल्ली 6 के इस लड़के को देखना चाहते हैं या नहीं। इंशाल्लाह जीत कर ही बाहर आऊँगा, एक बार मौका देकर देखें। थैंक यू वेरी मच, लव यू।